ये माशाल्लाह एक से एक जोड़ा, और बनाने में भी इस पे इतना खर्चा लगता होगा, क्योंकि मुझे याद है आपने बताया था 6 महीने या पता नहीं कितने लगता है वो अड्डे पे कढ़ाइयां होने में। डिपेंड करता है, पैसे कहाँ से आए बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल पैसे थे नहीं। अच्छा सवाल पूछा, बहुत से लोग समझते हैं कि शुरू किसने किया। तो हुआ क्या कि फैशन स्कूल गया, जर्नी बता रहा था, वहाँ तीन तीन चार चार जॉब्स की, ग्रेजुएट किया टॉप ऑफ द क्लास, और उसके बाद जॉब ही ना मिले। 4 साल पढ़ने के बाद मैं डिजाइनर्स के पास गया, नाम नहीं लूंगा, कुछ दोस्त भी हैं, मगर यहाँ कराची भी आया जॉब लेने के लिए, मगर कोई मुझे जॉब ही ना दे। क्या कहते क्या थे? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, लड़का इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। अच्छा। या हाँ तुम कोरियोग्राफर नहीं हो तो कोरियोग्राफी करते रहो। या एक डिजाइनर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त क्या था कि मैं ना सिर्फ काम कर रहा था, मैं कोरियोग्राफी करना शुरू हो गया था। अच्छा। Because, मुझे चांसेस मिल चुके थे, मुसर्रत आपा, नीलुफर शाहिद, खावर रियाज, अतर शहजाद, इस तरह लोग मुझे थोड़ा सा आगे पुश कर रहे थे कि शोज डायरेक्ट कर लो। और मुझे क्योंकि म्यूजिक और जैसा आपको मैंने आपको कहा डिजाइन हर चीज मुझे पसंद थी, तो मैं शोज डायरेक्ट करना शुरू हो गया। एक डिजाइनर ने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम कुछ बनता जा रहा है, लोग HSY को एज अ शो डायरेक्टर जानना शुरू हो गए, हम नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ हमारे से डिफ्लेक्ट करो। और ये मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जिन्होंने मुझे कहा। मगर कुछ तो करना था। अब 4 साल मैंने वहां से आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है ना, क्या करें, खत्म हो गया बात, क्या करें। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैंने हिम्मत ना हारी ना सिर्फ, और मैंने सोचा कि मैंने इसके बारे में कुछ करना है। तो मैं घर आया। अब मैं जितने पैसे मैं कमाया था स्कूल में सब खर्च हो चुके थे, मेरे जेब में मेरा से 2500 रुपए से थोड़े से ज्यादा थे, यानी कि मे बी 2700-2500 मेरे पास थे खर्चने के लिए। I told my mother के मैंने डिजाइनर बनना है। मुझे याद है डेट क्या थी, 5 December था, सर्दियों का दख्त था, अभी पूरी सर्दी चढ़ी नहीं थी। मैंने किसी और डिजाइनर के साथ, दो बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन किया था, मगर मैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उनके पास थे, मैं उनके साथ भी आज मैं कोई यूनिक होल्ड ग्रज नहीं होल्ड करता। उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे कि तुम हमारे साथ काम करो। तो मैं घर आया, मैंने कहा अम्मी हमारे मेरा लेबल का नाम होगा HSY, मेरा नाम हसन शहरयार यासीन है। शायद हर बंदा दुनिया में कह ना सके, मगर मैं HSY कहूंगा, जहां जाएंगे उनको पता होगा कि हसन शहरयार यासीन एक पाकिस्तानी ब्रांड है। अम्मी का बनाना के तुम किस तरह, मैंने कहा आप माइंड ना कीजिएगा, मैंने आपके सारे पर्दे काटने हैं और आपकी बेडशीट्स और आपके जो ये जो बेड ये जो स्प्रेड्स हैं और ये मैं अम्मी कहते हैं अम्मी क्योंकि पागल हो गया। मैंने कहा आप मुझे बस करने दें, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा आपको इससे ज्यादा खूबसूरत चीजें बना के वापस दूंगा। मैं अनारकली गया, मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी जो इस तरह चलने वाली नहीं होती। अच्छा। उसके अंदर 2000 रुपए की मशीन लगी, जो पांव वाली नहीं होती पेडल मशीन। हाँ। वो मैंने बना ली और बाकी उत्तर जाने के और आने के कुछ पैसे थे, कुछ थोड़े पैसे रह गए, उसमें मैंने कैंची ली, थोड़ा सा धागा लिया, एक 2-3 फुट्टे लिए, पहले फुट्टे मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैं फैशन स्कूल में था। और रस्ते मैंने एक मास्टर साहब को कहा कि मास्टर साहब मैं आपको महीने की 7000 रुपए सैलरी दूंगा, आप मुझे ज्वाइन कर लें। 7000 तो मेरे पास आस पास नहीं थे, मगर मैं आपको पहले 2 महीने आपको लिख के दूंगा IOU, यानी कि IOU money। So he's like, अच्छा, मैंने कहा पर आपको नहीं पता मैं कामयाब हूँ। तो he's like, आगे मैंने कहा कपड़ा कितने जी, कपड़ा दिखाओ। मैंने कहा देखो जी पर्दे उतारे। उन्होंने कहा ये बंदा तो बिल्कुल पागल है। मैंने कहा नहीं मैं हम बनाएंगे। हाँ। इसके साथ जोड़ तोड़ करके, मुझे स्टिचिंग तो आती थी, कटिंग भी आती थी, मैं उनके साथ लगा रहा कट कटा के। हाँ। मैंने 5 नमूने टाइप कोई आउटफिट्स बना दिया, मतलब वेस्टर्न बनाए थे, कुछ गाउन सॉर्ट ऑफ गाउन्स थे, शर्ट्स थी, कुछ पटियाला शलवार एंड शॉर्ट लिटिल जैकेट्स थी, कूल थे अपने जमाने के लिए, वो काफी देर पहले की बात कर रहा हूँ। और बना लिया। अब मेरी बहन के 2 दोस्त थे, एक था अतर और एक था शहजाद। मैंने शहजाद को फोन किया, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरे भाइयों की तरह है दोनों। मैंने कहा शहजाद यार एक शूट करना है, और अभी वो भी शुरू हो रहे थे। उसने कहा अच्छा, तो यार मैंने कहा मेरे पास मॉडल शॉडल के तो कोई पैसे नहीं है। मेरी एक दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, नहीं वो मॉडलिंग करना चाह रही है। अच्छा। बड़ी प्यारी है, आई थिंक उसका बड़ा फ्यूचर होगा, मैं उससे मिलाता हूँ, उसका नाम है ईमान अली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मिलाना जरूर। मैंने ईमान को फोन किया, ईमान ने कहा हाँ ऑफकोर्स मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ईमान हमेशा से ऐसी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उसके साथ, जो मैंने पहला शो भी डायरेक्ट किया था ना, मैं आपको उसके बताता हूँ। एनीवे शूट हुआ। और शूट होने के बाद मैंने सारे मैगजीन्स को पहले तो प्रिंट बना के नेगेटिव आके मैंने सबको भेज दिया। मैंने कहा हाय आई एम हसन HSY, आई एम अ डिजाइनर, आप प्लीज मेरे देखें। अगले महीने मेरे 5 कवर्स निकल आए। पांच कवर्स और मेरे
छोटा सा नंबर जो दिया हुआ था जो मैं घर पे, जो कोई बचता नहीं था, बचना शुरू हो गया. सुनिए, मैं तो दोबारा ऑर्डर मिले होंगे तो पर्दे कहाँ से लाए होंगे आप? वो कपड़े पर्दे लेने के तो आते नहीं थे, वो तो तस्वीर देख के आ जाते थे और कहते क्या है. मैं कहती मेरे पास कुछ नहीं है, सैंपल है. मैं कहती मेरे पास कोई सैंपल नहीं है. मैं कर मैं बताऊँ मेरे पास क्या है. मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेपर है और मैं आपको ड्रॉ करके जो आप चाहेंगी मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. मेरी ड्रॉइंग अच्छी थी और मैं प्रैक्टिस करता रहता था. एक और चीज, जो भी आपका फन है आप उसको प्रैक्टिस करते रहे. मैं आज तक प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ड्रॉ करके बताता था और फिर मैं मास्टर साहब के साथ जोड़ तोड़ करके पैसे लगा के कहता था इतने का हो जाएगा अगर आप चाहें तो. और फिर जोड़ों के साथ साथ एक कस्टमर सर्विस और एक जो दोस्ती होना शुरू हो गई. आपकी बात, आप जो बात करते ना, क्लाइंट कहता हूँ बस ये तो खरीद लो. आई डोंट नो, अब मार्केटियर भी अच्छे मुझे लग रहे हैं. अब मार्केटिंग अपनी खुद कर रहे हैं. मैं अपनी मार्केटिंग नहीं, मैं अपनी अपना सच जी रहा हूँ. आई थिंक वो मार्केटिंग सही होती है जो सच्ची हो. अगर आप किसी को कहें कि वाह इस ब्यूटीफुल ब्लू द्वार को देखो, तो बंदा कहेगा ये मार्केटिंग आई डी, मतलब है तो ब्लू नहीं है तो व्हाइट है. मगर आपको कहें ये व्हाइट सच्ची द्वार है और ये मोटी अच्छी ताजी द्वार है और ये वेट उठा सकती है, आप कहेंगे हाँ ये सच है. बिकॉज सच जो है ना उससे बेहतर मार्केटिंग को कोई नहीं हो सकती. तो जब लोग आना शुरू हुए तो उसी तरह, और तब मेरी दोस्तियां आना शुरू हो गई थी. जब मैंने पहला शो भी डायरेक्ट किया था 1994 में, मैं एक छोटा सा बच्चा था. मैंने पहला शो डायरेक्ट किया था, मुझे अभी तक याद है. हम शो पे गए, मेरी बहन मॉडल थी, वो अपने दो दोस्तों को लेके आई. एक उसकी बड़ी दोस्त थी कनेड की विनी और एक उसकी बहन थी आयशा. उनके साथ एक उनकी एक और दोस्त आई हुई थी जो पीछे नोट्स लिख रही थी और माय मॉडल खत्म हो गए. मैंने कहा यार आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम ZQ है. मैंने कहा आप मॉडल करेंगी? उसने कहा हाँ जी मैं कर लूंगी. फिर हमारी लड़कियां कम हो गई. फिर हम अफशा ने कहा मेरी एक और दोस्त है, वो मेरी भी दोस्त थी और बचपन की दोस्त है. हमने उसको फोन किया, मैंने कहा आमना हक यार तुमने वर्नी है मॉडलिंग? उसने कहा मैं भी पहुंच जाती हूँ. पीछे एक जनाब आली छोटा सा कैमरा लेके थोड़ा सा एडवाइस कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे. मैंने कहा कैसे हैं आपका नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम खाबर रियाज है. मैंने कहा सलाम अलैकुम जी मेरा नाम हसन शहरयार है, मैं ये शो डायरेक्ट करने लगा हूँ. इसी तरह हमारी ये इंडस्ट्री बढ़ी. वहाँ एक पहली दफा एक बैक स्टेज पे एक एक्ट्रेस आई हुई थी, उनकी अभी मूवी निकलने लगी थी और वो बहुत ही अच्छा मजे के बोलती थी और बड़ी बहुत ही मुझे हंसा रही थी. उनका नाम था रेशम और उससे मेरी दोस्ती हो गई. इस तरह करके हमारी इंडस्ट्री बढ़ी हुई है. आज लोग कहते हैं कि यार ये मैं अपने आप को, लोग मुझे किंग ऑफ कुटूर या पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते हैं. मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मगर मैं इस जर्नी का एक हिस्सा हूँ. मैं इस इंडस्ट्री में तब आया था जब इंडस्ट्री थी नहीं. डिजाइनर्स का मैगजीन मजा आ रहा है आप बता रहे ना. मैंने उसको उठाया तो ZQ निकली वो तो आमना और इन लोगों ने, और मैं इनका किसी का क्रेडिट नहीं लूंगा, इन सब ने अपनी मेहनत से काम किया. मगर ये जो मेहनत का जो दौर था और जो खड़े होके अपने आप को प्रूव करने का दौर था, ये हमें इसकी वापस आज भी जरूरत है. और यही दौर की वजह से आज जो ये बड़े नाम जो हैं, मुझे मैंने बड़े नामों को आते हुए देखा है जी, चढ़ते हुए देखा है और उतने नामों को तबाह होके गायब होते हुए देखा है. बिकॉज दो चीजें, मेहनत करते रहो और गरूर बिल्कुल भी ना करो. जिसने गरूर किया उसको मैंने तबाह होते हुए देखा है. मैंने देखा है डिजाइनर्स को कि वो पिनने करके आ रहे होते हैं, तीन फैशन वीक के बाद इस तरह चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पहनी होती हैं और इतने कूल होते हैं. और लोग कहते हैं नहीं मैं ये नहीं, मैं तुम्हारे काम को लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे गुरूर और तुम्हारे एटीट्यूड को नहीं. और ये चीज तबाह कर जाती है बहुत से लोगों को. हमें सबको शौक है, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि जुमा जुमा 8 दिन हम एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएं, हमारी तस्वीरें लग जाएं, इधर भी लग जाएं उधर भी लग जाएं, हर बंदा स्लिंग्स यू नो किलिंग हैशटैग रेड कार्पेट जीनियस ब्ला ब्ला. ये नहीं है, आपकी ऑडियंस बड़ी समझदार है. ये लोग जो देख रहे हैं टेलीविजन में ये हमसे बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा हर चीज देख रहे हैं और उनकी बड़ी अच्छी अवेयरनेस है. आपने अगर इनकी इज्जत अगर कमानी है ना तो उनको अच्छा काम करके दें, सच्चा काम करके दें उन प्राइसेस पे और उस तरीके से जो वो खरीद भी सकें और पहन भी सकें. मैं जब कपड़े बनाता हूँ मैं ये नहीं सोचता, हम कुछ दिखाते हैं ना जरा दुल्हनों वाले जोड़े दिखाते हैं. देखिए हमारे कपड़ों पे आप नोट करेंगे स्लीव्स नेकलाइन ऐसी होगी कि आप जब पहने तो आपकी वालदा भी खुश रहे. मैं यही बात नोट करती हूँ एक कि कभी भी मुझे आपके कपड़े पहन के ये नहीं होता कि ये छुपा रही हूँ मैं वो छुपा रही हूँ. हर चीज पे चाहे ये हो गया स्लीव हमारी कोशिश होती है. अगर क्रॉप भी होता है उसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा की जैकेट देंगे. बिकॉज मैं बड़ा हुआ हूँ दो औरतों के साथ, मेरी माँ और मेरी बहन ने मुझे बड़ा किया. मैं अगर उनको उस तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहूंगा तो मैं दूसरे लोगों को क्यों पहनाऊँ. और प्लस हमारा कल्चर और हमारा मजहब को मद्देनजर रखते हुए हमें चीजें करनी चाहिए. फैशन ये नहीं है कि हर चीज दिखाओ. फैशन है मिस्ट्री.
और इंसान के अंदर एक मिस्ट्री रहनी चाहिए. हाँ, हकीकत है, हकीकत. ये देखे ना, मतलब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं बाकायदा एक एक चीज निकाल के इस तरह देखती हूँ, सुकून मिलता है. पता नहीं, आई डोंट नो कि आप नहीं पहन भी रहे तो आप खाली देख भी रहे तो आपको इतना सुकून मिल रहा होता है. आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें. मुझे भी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लोगों को खूबसूरत खूबसूरत बना देख बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी मुझे लगता है कि लोगों को खूबसूरत जब अच्छे कपड़े पहने हो, एक इंसान की मूड भी चेंज हो जाता है. एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस आती है जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे बेहतर पेश आते हैं. और आपने नोट किया होगा हमारा सारा जो काम है वो सात के ऊपर हाथ का काम है. एक हमारे जो चीज जिसको हम रिस्पेक्ट करने की बड़ी जरूरत है ना, वो हमारे कारीगर हैं. हमारे कारीगर जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री है. और हमारे कारीगर जो है ना, अगर उनसे हम काम छीन लेंगे और मशीनों पे बनाना शुरू कर देंगे तो वो हमारी ये सारी जो कल्चर और आर्ट है ना वो तबाह हो जाएगी. हम लोग हर चीज हाथ से बनाते हैं, हर चीज. और अच्छा, एक एक बहुत मैं ये परेशान होती हूँ देख के कि ये जो कपड़ा है इतना नाजुक कपड़ा होता है मगर इस पे इतना काम गुथा हुआ काम होता है, तो ये कैसे क्या करते हैं ऐसे कपड़े को? आपको पता है यही एक टैलेंट होता है एक अच्छे कारीगर के. और अगर मैं एक अपने आप को डिजाइनर समझता हूँ ना जी, तो मैं डिजाइनर सिर्फ 50% हूँ. 50% जो है बाकी वो मेरे कारीगर हैं, मेरी टीम है, मेरे हमारे जो दर्जी हैं. मैं शायद 50% भी नहीं हूँ. हमारे कंपनी पे तो जब मुझसे बात होती है ना, मुझे शेयर कहते हैं शेरू साहब ये देखें शेरू साहब, वो अगर HSY कहना तो कहते हैं मैं हूँ HSY. हर बच्चा मेरे ऑफिस में वो समझता है और वो है HSY बिकॉज उसी ने मुझे सिखाया है कि ये जो पतला कपड़ा है उसके ऊपर ये टांका किस तरह रहेगा, ये जो बिल्कुल पतला शिफॉन है उसके ऊपर हम क्रिस्टल लगाएंगे तो कैसे कपड़ा नहीं चढ़ेगा. मैंने फैशन स्कूल में बड़ा कुछ सीखा है मगर मैंने सबसे ज्यादा सीखा है अपने लोगों से जिन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्रियों पर, मेरे कारखानों पर, दूसरे लोगों के कारखानों पर जिन्होंने मुझे सिखाया. मैं उनके वो ना होते मैं तो पूरी टीम लेकर चलते हैं. बिल्कुल है ना? मैं ना टीम लेकर चलता हूँ, मेरी फैमिली की तरह है. अब उनके देखिए जी 25 साल से 18-19 साल से तो मैं ये काम कर रहा हूँ. मैं कोशिश रखता हूँ कि मुझे पता हो कि मेरे जो टीम के अंदर भी लोग हैं उनके फैमिली कैसी है, जितना मैं कोशिश कर सकूं वक्त निकालने की कोशिश करता हूं बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन जो होती है ना वो सिर्फ मेरी बिजनेस के लिए रिच नहीं है. अच्छा, आपकी सारी बातें सब जो लोग सुन रहे होंगे ना जो शायद है वो माएं आपको पहली दफा देख रही होंगी तो वो कह रही होंगी कितनी अच्छी माँ ने इसकी परवरिश की है, कितना प्यारा बोलता है, कितना तमीज वाला बच्चा है.